अगर मैं आपको बताऊं कि आइडिया देने के लिए आपको 2 लाख रुपए मिल सकता है तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं। लेकिन ये सच है। आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप टाटा इमेजिन चैलेंज में फ्री में ज्वाइन करके 2 लाख कैश प्राइज जीत सकते हो, इवन टाटा पे जॉब भी पा सकते हो। इस चैलेंज का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप कॉलेज के किसी भी ईयर में हो या किसी भी स्ट्रीम से हो या फिर जॉब ही क्यों ना कर रहे हो। आप इस चैलेंज में फ्री में पार्टिसिपेट करके एक ह्यूज अमाउंट जीत सकते हो। तो चलो जान लेते हैं कौन सा चैलेंज है, कैसे पार्टिसिपेट करना है एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले Let's get started. All right, description पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको इस लैंडिंग पेज पे आ जाना है। ये है टाटा इमेजिनेशन चैलेंज 2023। आपको यहाँ अपना इनोवेटिव आइडिया शेयर करना है, एक ऐसा आइडिया जो मे बी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो या किसी चीज की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकता हो। इस चैलेंज में 4 राउंड्स रहने वाले हैं। पहला है टाटा ब्रांड असेसमेंट राउंड। यहाँ आपको 20 MCQ questions का आंसर देना है और ये 1st September से 21st September तक ओपन रहेगा। मतलब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 21st September से पहले ही ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गेमिफाइड राउंड। यहाँ एक दूसरा टेस्ट होगा जो बेसिकली आपकी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और क्लिक स्पीड को एवेल्युएट करने वाला है। ये राउंड 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। उसके बाद 3rd राउंड है इमेजिन दैट आइडिया पिच। यहाँ आपको अपने आइडिया के इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट को 1-2 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन करना है और अपने आइडिया से रिलेटेड 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का रिटन आंसर देना है। ये राउंड 6th से 16th अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है। देखो उसके बाद 2 सब सेक्शंस है। एक है आइडिया बडी फेस, जहां आपको टाटा के आइडिया बडी के साथ पेयर किया जाएगा जो आपको आपके आइडिया को और पॉलिश करने में हेल्प करेंगे। ये फेस 31st अक्टूबर से 19 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। और दूसरा है पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स। यहां टॉप 50 आइडियाज को सिलेक्ट किया जाएगा और उनमें से जो टॉप 3 आइडियाज रहेंगे उन्हें एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। ये 10th नवंबर से 15 नवंबर के बीच कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आता है फाइनल राउंड, ग्रैंड फिनाले राउंड। यहाँ आपको डायरेक्ट टाटा के लीडर्स के सामने अपना आइडिया और उसका इम्पैक्ट शेयर करना है। उसके बाद आइडियाज को इवैल्यूएट किया जाएगा और 13 कंटेस्टेंट्स को विनर अनाउंस किया जाएगा। इन विनर्स को 2 लाख रुपए दिया जाएगा पर हेड और उसके साथ आपको TAS में डायरेक्ट एंट्री मिल सकता है, एक्साइटिंग प्राइजेस मिल सकते हैं और रेफरल बोनस भी मिल सकता है। और जो भी कैंडिडेट्स राउंड 3 तक पहुंचेंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी ईयर में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉलेज के लिए अप्लाई किया है लेकिन क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, इस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आपके डिग्री को AICTE या UGC या बिजनेस स्कूल्स के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अभी टाटा पे जॉब भी कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलो अब एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आपको अपना डिटेल्स फिल करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ फेस वेरिफिकेशन होगा। आपको कैमरा ओपन करने के लिए परमिशन देना पड़ेगा और उसके बाद स्ट्रेट कैमरा में देखना पड़ेगा। उसके बाद जब फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा आप लौट के इसी पेज पे आ जाओगे। देखो यहाँ आपका फेस ऐड हो गया है। अब एग्जाम के टाइम आपका कैमरा ऑन रहेगा चीटिंग अवॉइड करने के लिए। अब देखो आपको इस 1st राउंड के नीचे वेरीफाई एंड प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करो। देखो फिर से कैमरा आ गया है। ये इसीलिए क्योंकि रजिस्टर्ड कैंडिडेट और आप सेम हो कि नहीं ये वेरीफाई करना पड़ता है। अब फेस वेरिफिकेशन होने के बाद आप फिर से इसी लैंडिंग पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ आपको प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको इन्हें एक्सेप्ट कर लेना है और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। उसके बाद एकदम लास्ट पेज पे आपको स्टार्ट लिखने के लिए बोला जाएगा और फिर इसके पास दिए गए स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखो आपके सामने क्वेश्चंस आ गए हैं, आपको इनका आंसर देना है और सबमिट कर देना है। अगर आप इस टेस्ट में क्वालिफाई करते हो तो फर्दर स्टेप्स के लिए प्रोसीड कर सकते हो। बाकी अपडेट्स आपको मेल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और अगला वीडियो किस पे देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।